नमस्कार दोस्तों, स्टडी नेक्स्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 30 जुलाई 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी स्टडी नेक्स्ट एग्जाम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्थिक जनगणना की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो हाल ही में आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से की गई है। कहाँ से की गई है? त्रिपुरा से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात यह आती है कि इस जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये जनगणना की जाएगी और ये 5 वर्ष के अंतराल के बाद यानी हर एक 5वें वर्ष पर ये आर्थिक जनगणना आयोजित किया जाएगा। और फील्ड वर्क की बात करें तो फील्ड वर्क दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है और मार्च 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम उपलब्ध होने की भी उम्मीद है। अब बात यह आती है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री कौन हैं? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। कौन? राव इंद्रजीत सिंह। बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला और प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के सीएम बिप्लव कुमार देव जी हैं और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी त्रिपुरा के गवर्नर कौन हैं? रमेश भैंस जी हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कौन? किरण रिजिजू द्वारा कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया फ्रेंड्स? ये राजगीर में किया गया। कहाँ? राजगीर में किया गया। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात अब यह आती है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जनरली इस सम्मेलन का उद्देश्य की बात करें तो दुनिया में प्रचलित आतंक है, हिंसा और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को जागरूक करना ही इस सम्मेलन का मेन ऑब्जेक्ट है। अगर बात करें सम्मेलन सत्चित आनंद और निर्वाण की विषयों को भी संबोधित करेगा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं। अब बात आई है राजगीर की, तो राजगीर फ्रेंड्स बिहार में पड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रेजेंट टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के राज्यपाल अभी हाल ही में फागु चौहान की नियुक्ति हुई है, यानी बिहार के राज्यपाल फागु चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ने गीता जयंती महोत्सव 2019 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो भागीदार देश के रूप में नेपाल को आमंत्रित किया है। किसे? नेपाल को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गीता जयंती महोत्सव 2019 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो नेपाल की बात आई है तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू। नेपाल की फ्रेंड्स कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की केपीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? केपी शर्मा ओली। कौन? केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रेजेंट टाइम में केपीएम हैं और नेपाल के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में विद्या देवी भंडारी जी हैं। और नेपाल की मुद्रा जो है वो नेपाली रुपया है। क्या? नेपाली रुपया। अगर बात करें हम इस समारोह से रिलेटेड की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नेपाल को इस वर्ष के लिए यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता जयंती समारोह 2019 के लिए भागीदार देश बनने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का निधन हो गया? पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जी का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? एस जयपाल रेड्डी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बात आइए रेड्डी जी विज्ञान प्रौद्योगिकी के विषय को प्राप्त करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ये सब थे। मतलब इससे पहले इन सब
पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बात आती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। असम, गुवाहाटी असम में पड़ता है। और इसका आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन जो है भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात IOA, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और असम के साथ मेजबान राज्यों के रूप में किया जाएगा। अब बात आई है कि खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तुरंत हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं। तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। कौन? किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 के लिए मेजबान देश के रूप में किसे चुना गया है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 के लिए मेजबान देश के रूप में पाकिस्तान को चुना गया है। किसे? पाकिस्तान को, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात आई है फ्रेंड्स विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस आखिरकार 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। तो इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमबर्ग, कौन? डॉक्टर बारूक बलमबर्ग का जन्मदिन है, यानी 28 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और वायरस के लिए नए नए दैनिक परीक्षण और टीकाकरण का विकास भी इन्होंने किया था। इसीलिए इनके जन्मदिवस को यानी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये जनरली रोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यानी तुरंत क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि WHO क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूछ लिया जाए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और पूछ लिया जाता है कि WHO के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है? तो WHO के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक टेड्रोस अदनोम जी हैं। कौन? टेड्रोस अदनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों खाद्य और पोषण सुरक्षा रिपोर्ट। खाद्य और पोषण सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार कब तक 31.4% भारतीय बच्चे अविकसित होंगे, अनडेवलप्ड होंगे? 31.4% बच्चे कब तक? ये 2022 तक। कब तक? 2022 तक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका अर्थ ये हुआ, अगर इसके बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 वर्ष से कम आयु के हर 3 भारतीय बच्चों में से, यानी हर 3 भारतीय बच्चों में से एक बच्चा, हर 3 भारतीय बच्चों में से एक बच्चा 2022 तक अविकसित होगा। अगर हम राज्यों की बात करें जनरली, तो बिहार राज्य में 48% और उत्तर प्रदेश राज्य में 46%, यानी इन जैसे राज्यों में लगभग 2 बच्चों में से एक अविकसित होगा, यानी लगभग 50% मोस्टली अगर बात करें। जबकि अगर बात करते हैं गोवा और केरला की, जबकि गोवा और केरला में 20%, यानी कि प्रत्येक बच्चों में से 2 बच्चे अविकसित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों सुपरको। सुपरको क्या है? तो सुपरको यानी किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो सुपरको पाकिस्तान की एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है पाकिस्तान की। ठीक है, अब बात आई है कि सुपरको, तो सुपरको का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरको का फुल फॉर्म द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। हाल ही में सुपरको ने घोषणा की है कि वह 2022 तक अंतरिक्ष में अपने आदमी भेजेगा। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में जो PM हैं वो इमरान खान हैं, उनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में,
किसमें T20 में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, यानी उन्होंने 100 विकेट भी लिया है और 1000 रन बनाया है। कौन है? एलिस पैरी जी हैं। कौन? एलिस पैरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, यानी बाघों की संख्या भारत में कितनी है? तो बाघों की संख्या प्रेजेंट टाइम में भारत में 2967 है। कितना? 2967, यानी 2967 बाघों की संख्या प्रेजेंट टाइम में भारत में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात यह आई है, बाघ सेलेक्टर यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? 29 जुलाई को, 29 जुलाई। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मई जू सॉरी जुलाई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इससे बन सकते हैं सारे और डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन लर्न हो गया हो तो मेरे साथ इसी फ्लो में आप रिवाइज किया करें। 1 जुलाई को जेस्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, 1 जुलाई को एक और डे इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वो है नेशनल डॉक्टर्स डे। बात आती है 6 जुलाई की, तो 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है 11 जुलाई, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में आता है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है 15 जुलाई, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है 17 जुलाई, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। उसके बाद में आता है 18 जुलाई, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है 22 जुलाई, 22 जुलाई को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में आता है 26 जुलाई, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है 28 जुलाई, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है 29 जुलाई, तो फ्रेंड्स 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? VK जौहरी जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। VK जौहरी जी को BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है BSF की, तो BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BSF की स्थापना कब की गई थी, तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में BSF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो BSF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BSF का मोटो क्या है, तो BSF का जो मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ, ये BSF का मोटो है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 जुलाई को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, विश्व सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। प्लीज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अभी तक यदि हम हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बना आएगा, उस बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाया करें। तो स्टडी नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।